हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वीज़ा वीज़ा में। आज की ट्रैवल अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैवल अपडेट है, क्योंकि थाईलैंड का जो रीओपनिंग होने का चक्कर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कितना आगे पहुंचा है। बैंकॉक के बारे में एक बहुत न्यूज़ आई है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि बैंकॉक जो है रीओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्या उसमें टर्म एंड कंडीशन है या कब से खुलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स आगे भी मिलती रहें। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, थाईलैंड एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। दुबई, थाईलैंड, स्पेन, इन तीन जगहों की बहुत ज़्यादा चर्चा है इस टाइम, कब वीज़ा मिलेगा, किस तरह से स्टार्ट होगा टूरिज्म। तो टूरिज्म जो स्टार्ट करने की बात है वो वहाँ की गवर्नमेंट भी सोच रही है। उन्होंने प्लान किया है कि इस साल कम से कम 1 मिलियन टूरिस्ट उन्हें जो है अपने यहाँ पर बुलाने हैं बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले 10 लाख टूरिस्ट वहाँ से होके जाने चाहिए, ये उनका प्लान है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। तो इस प्लान के हिसाब से जाहिर होता है कि अक्टूबर में वो थाईलैंड को रीओपन करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट थाईलैंड की ट्रैवल अपडेट में बताया था कि फैमिलीज़ और जो ब्लड रिलेशन है उनके, वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जो कि थाईलैंड से ही डॉक्यूमेंट मंगाना है और वहाँ पर जो है आपको एम्बेसी में सबमिशन करने जाओगे या जब भी आप किसी भी वीज़ा सेंटर में सबमिशन करोगे तो वो पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सारी जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनकी, जैसे कोविड वैक्सीन है, वहाँ से एक इनविटेशन लेटर आना चाहिए, आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। या बहुत बड़ा कोई क्रिटिकल केस है बिज़नेस से रिलेटेड, वो जा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मल टूरिस्ट के लिए जैसे कोई भी अगर चाहे जाना तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसी के ऊपर बात हुई है, अभी रिसेंटली थाईलैंड एम्बेसी ने अनाउंस किया है कि बैंकॉक जो है रीओपन होने में अभी और कम से कम 2 वीक्स और लगेंगे, उसको होल्ड कर दिया गया है। बैंकॉक की रीओपनिंग पर होल्ड कर दिया, दैट मीन्स थाईलैंड जो है अभी ओपन नहीं हो रहा है। थाईलैंड की जान है बैंकॉक और फुकेत, मतलब यहाँ बैंकॉक जो है वो बिज़नेस हब है, जहाँ पर थाईलैंड का सारा बिज़नेस होता है, टूरिस्ट प्लेस भी है। और फुकेत एक आइलैंड है जो कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जो बहुत माना जाता है, डायरेक्ट वहाँ के लिए भी फ़्लाइट जाती हैं। तो दोनों ही जगह की फ़्लाइट अभी बंद हैं। कुछ क्रिटिकल फ़्लाइट्स चल रही हैं जिसमें फैमिली और मैंने अभी बताया आपको बिज़नेस से ज़्यादा जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, उनकी फ़्लाइट्स अभी जा रही हैं, नॉर्मल फ़्लाइट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसी बीच ये न्यूज़ आई है कि बैंकॉक जो है, थाईलैंड जो है, अभी 2 वीक तक अभी और स्टार्ट नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा वहाँ का टूरिज़्म। तकरीबन ये सितंबर के 2 वीक्स जो है लास्ट के, इन 2 वीक तक नहीं होगा। अक्टूबर 1st से 15 अक्टूबर तक इन्होंने एक उम्मीद दी है कि भाई आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड के लिए। उसकी तैयारी इस तरह चल रही है क्योंकि वहाँ पर 70% जो है वैक्सीनेशन का काम हो चुका है और वो जिन टूरिस्ट लोगों को, जो भी टूरिस्ट आएंगे पूरे वर्ल्ड से, उनको इन्वाइट करेंगे तो वो वैक्सीनेटेड टूरिस्ट इन्वाइट करेंगे। उससे पहले पहले थाईलैंड चाह रहा है कि वो और ज़्यादा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं टूरिज़्म से रिलेटेड वो कोविड की गाइडलाइन को तोड़ ही देती हैं। मतलब वहाँ पर मेन थाईलैंड में बीचेस हैं, वाटर एक्टिविटीज़ हैं, क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, मार्केट्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो इन जगहों पर कोविड जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं की जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि हर किसी के जो है वैक्सीन के शॉट लगे हुए हैं दोनों, और वो वैक्सीन के बाद आराम से ट्रैवल कर सकें, वहाँ पर घूम सकें, इंजॉय कर सकें। इसलिए थाईलैंड अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री के जो वहाँ के नेशनल हैं, जो लोग हैं, उनके सबके वैक्सीन लग जाए, 70-80% तक लोगों के वैक्सीन लग जाए, उसके बाद वो जो है ट्रैवल स्टार्ट करेंगे सबका, टूरिज़्म खोलेंगे वहाँ अलग कंट्रीज़ के लिए, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक की अपडेट यही थी कि बैंकॉक को थोड़ा होल्ड किया गया है, स्पेशली बैंकॉक सिटी का नाम लेके एम्बेसी ने बोला है 2 वीक्स के लिए अभी थोड़ा होल्ड करेंगे इसको, उसके बाद 2 वीक्स के बाद जो है स्टार्ट होगा टूरिज़्म थाईलैंड के लिए। तो वेट करते हैं, कुछ भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा कुछ और अगर इसके बारे में जानना हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या हमें टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको थाईलैंड की और आने वाली अपडेट्स चाहिए, इससे जो भी ट्रैवल में रिलीफ होगा उससे रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो हम अपने चैनल पे डालेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल वीज़ा वीज़ा पर। थैंक यू।